हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं अर्षित गिरी। आज एक कहानी सुनाने वाला है। वो कहानी क्या है? सुरक्षा का प्रेरणामूलक कहानी। ये कहानी आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए वो कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक दंपति रहता था। उसका एक लौता बेटा था। उसके भी एक बेटा और एक बेटी थी। अच्छे सुखी परिवार था। बेटा बड़ा ही शालीन और सभ्य था। पूरे गांव के लोग अपने बच्चे को उसके शालीनता की उदाहरण देते थे। वो सबको मदद भी करते थे और किसी का काम के अगर कोई जरूरत पड़ता था तो वो उसको हेल्प करते थे और पैसा देकर भी उसको मदद करते थे। बहुत अच्छे लड़का था। किसी भी का वजन उठाना है वो उसके साथ भी हेल्प कर देते थे और किसी को काम पे हाथ बढ़ाना था वो भी बढ़ा के वो हेल्प करते थे। वो गाड़ी भी चलाता था उतनी शालीनता से। वो ट्रैफिक का सभी नियमों का पालन करता था और ट्रैफिक के साथ भी उसका अच्छा सुव्यवहार भी था। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो कभी हेलमेट नहीं लगाता था। उसका कहना था कि वो गाड़ी कभी भी तेज अर्थात 40 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चलाता था। उसका कहना गलत था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट था और कभी हेलमेट पहनता नहीं था। एक दिन की बात है, वो बिना हेलमेट पहन के बाइक लेके निकला और पीछे से आ रही अनियंत्रित बाइक ने उसे ठोकर मार दिया। बाइक गिरा और उसका सर पत्थर पे जाके टकरा गया और मौके पर उसका मृत्यु हो गई। अगर वो हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन वो कभी हेलमेट नहीं पहनता था और वही हेलमेट ना पहनना उसका काल बन गया। और कह रहे थे कि उसको संयोग था, इसका ऐसी मानना था, लेकिन मेरा कहना है वो संयोग नहीं था, उसका लापरवाही से उसका मौत का कारण बनी। इसी तरह आप अपने आसपास को दुर्घटना से देख पाओगी। कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रिकॉशन का ना फॉलो करने से मौत का कारण बना। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। बस आपसे विनती है कि आप सुरक्षा से उन सभी नियमों का पालन करें जो आपसे कहा जा रहे हैं, जिससे आप सुरक्षित रहे और आपके आसपास के लोग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सेफ ड्राइव एंड बी सेफ।